और नहीं तो क्या, हम भी पूजा करने आए हैं। किसी भी जन्म में रावण देवता हमें किन्नर ना बनाए, और तू यहाँ ऐसे ही आ गई। ऐसे मतलब जी? तू नहीं जानती, पुरोहित जी और गुरु माता को पता चल गया ना कि तू सुहागन है, तो वो तुझे इस पूजा में शामिल होने नहीं देंगे। तो तू ना एक काम कर, जाके अपना होलिया बदल। तू आ, मैं तेरी मदद करती हूँ। जी, मुझे इस पूजा में हिस्सा लेना था तो मैं। हाँ चलो आओ, मैं लेके चलती हूँ। हाँ? मुझे भी ये पूजा करनी है ताकि अगले जन्म में सुहागन बन सके। सब यहाँ इसी कारण आते हैं। सुहागन तो मैं इसी जन्म में हूँ, अगले हर जन्म में हरमन जी ही मेरा सुहाग बने रहे, इसीलिए करनी है मुझे ये पूजा। कौन है तू, कहाँ से आई है? तुम किन्नरों के कौन से समुदाय से लगाव रखती हो? तेरी गुरु माता कौन है हमको बता, ताकि हम तेरी पुष्टि कर सके। ये हमारे समुदाय की है। आगे आओ, बताओ। हम तीनों भी इस पूजा में भाग लेना चाहती हैं। मेरा नाम करीना है, और ये रवीना, और ये तराना है। जो गुरु माँ का पद निभाती हैं उनका नाम मलिका है। ठीक है, तुम्हें पूजा की सारी विधियाँ आती है या यूं ही आ गई हो किन्नर के जन्म से छुटकारा पाने के लिए? विधि तो पता नहीं है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, पुरोहित जी तुम्हें सारी विधियाँ ठीक से बता देंगे। ध्यान से सुन लो और समझ लो, एक बार पूजा शुरू हुई तो उसमें कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, वरना हमारे अरावण देवता नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं, सोमिया को विधि के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सुनिए, ऐसा है, रोहित जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम जानते हैं ये पूजा कैसी होती है, हम इसे अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, जा आइए। तुम अब तक उस पूजा वाली बात पट की हुई, तुम नहीं जा रही? हम लोग किन्नरों के देवता अरावण की पूजा करके हम उनसे वरदान मांगते हैं कि अगले जन्म में हम किन्नर बनकर पैदा ना हो। यार मैं जानता हूँ कि तराना तुम्हारा अस्तित्व है और सौम्या तुम्हारी किस्मत, लेकिन मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, मुझे मेरी गुलाबो चाहिए। सर दादी जी, आज चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने। अरे चाय से याद आया, नानी जी आज ना मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। कोई बात नहीं पुत्र, छोले भटूरे बना दूंगी, हड्डी गड़ी गल है। अरे नहीं नहीं नानी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज ना मेरा सुरभि के हाथ के बने स्पेशल छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। कसम से बहुत बढ़िया बनाती है। अब देखिए ना नानी जी, इसमें गुस्सा तो बहुत है, आई एम सॉरी भी कह दिया मैंने। दादी जी आप भी देखिए ना, ये कि माफी नहीं कर रही है, आप लोग कहिए ना गुस्सा थूक दे और बना दे मेरे छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, जाकर मार्केट से ले आओ। ओके जी। चार बजे मैं मिलती हूँ, लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए आऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।
ये मैडम 4 बजे किससे मिलने जा रही है? जा, आज से अगले 3 दिन तक रावण की पूजा का संकल्प शुरू। 4th दिन पूजा संपन्न होने के बाद 13 संकल्प पूर्ण होगा। ये कौन सी जगह बुलाया मिलने के लिए? अरे यार, ना हाय ना हेलो, सीधा सवाल पे सवाल करते रहती हूँ। चलो कोई बात, देखो अगर तुम्हें कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में बुलाता तो डेट जैसा लगता, और शादीशुदा सूरती में हम डेट पे कैसे जा सकती हैं? तो मैंने सोचा कि ये जगह ठीक है, एक थोड़ा बहुत काम है निपटा लेते हैं। ठीक है, दिखाओ अपनी प्रेजेंटेशन। अविला, अच्छा तो ये है सुरभि मैडम के ऑफिस का काम। इसलिए तो जब भी ऑफिस में होती है मेरा फोन नहीं उठा पाती है, और फोन भी ऑफ करके रखती है। आप मुझे विधियों के बारे में बता दीजिए ना, मुझे किसी भी विधि के बारे में पता ही नहीं है, आप बताएंगी तो। अरे तू फिक्र मत कर, जब जो करना है मैं तुझे बताती रहूंगी। देख, पहले तो सबके नर सुहागन की तरह सजें, ताकि अगले जन्म में औरत जैसे पैदा हो सके और किसी की सुहागन बन पाए, है ना? और तू है ही सुहागन, बस मन्नत मांग लेना, पूरी हो जाएगी। और हाँ, ये जो गुलाल वगैरह है ना, ये पूजा का ही हिस्सा है। हाँ? अभी आप सब लोग नेक मांगने के लिए जा सकते हैं, जब आप लोग वापिस आ जाएंगे तो हम आगे की पूजा शुरू करेंगे, ठीक है? जाइए। बहुत मुश्किल होता होगा ना तराना और सोम्या 2 जिंदगी एक साथ जीना। बेचारी तभी तो पूजा कर रही है ना, ताकि अगले जन्म में तराना से मुक्ति मिल जाए और सौम्या बन के जिए। क्यों दीदी, किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है, और मुझे मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है कि मैं एक किन्नर हूँ। मुझे तो नसीब से हरमन जी मिले हैं, उनका प्यार मिला है, बस ये प्यार मैं किसी भी जन्म में खोना नहीं चाहती हूँ। इसलिए सौम्या और तराना के बंधन से मुक्त होकर मैं हर जन्म बस उनकी गुलाबी बनकर रहना चाहती हूँ। अच्छा, तू सच में नसीब वाली है। शायद रावण देवता भी चाहते हैं कि तेरी मन्नत पूरी हो, तभी तो हमारे समुदाय से सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। वरना कोई और तुझे देख लेता तो सीधा मलिका दीदी से कह देता, और मलिका दीदी तुझे वापस भेज देती। मलिका दीदी मेरी माँ जैसी है, मैंने कभी भी उनसे कोई भी बात छुपाई नहीं। ये पूजा करने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि अगले 7 जन्मों तक भलाई ही है। पर फिर भी मैं हरमन जी और मलिका दीदी से झूठ बोल रही हूँ, उसके लिए माता रानी मुझे माफ कर दे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मलिका दीदी ने मुझे ये पूजा करने से मना क्यों किया है। अरे क्योंकि तेरी ज्यादा फिक्र हो रही होगी उन्हें, पर तू ज्यादा सोच मत, अब तूने ठान लिया है तो पूजा कर ले। अब चिंता मत कर, तू घर जाके ना जल्दी से वापस आ जाना, तो बिल्कुल घबरा मत, हम किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे सोम्या, सिर्फ करेंगे। लो जी, सबका टिफिन तैयार है, आकर अपने अपने टिफिन ले लो, या वो भी मैं हाथों में देने आऊं? ना ना, इतनी मेहनत करेगी तो कमजोर नहीं हो जाएगी? वैसे हरमन का भी टिफिन बना है ना आज से, वो भी फैक्ट्री जाएगा। बन गया है। हाय, thank you.
रितो, सौम्या अब तक आई नहीं? पुत्र दवाई लेने गई है तो हो सकता है वहाँ कोई और चीज भी उसे याद आ गई हो, लेने लग गई होगी। आ जाएगी तो घबराना। भाई साहब आपका नाश्ता लगा दूं या बहुरानी का इंतजार करेंगे? क्यों वीरंदी वटिये, आपके खानदान में ससुर का बहुओं के लिए इंतजार करने का संस्कार नहीं है? सोमू पुत्र आ गई तो? नानी आपकी दवा? हाँ मिल गई ना? हाँ। और ये पुत्र इसकी क्या जरूरत थी? तू ऐसे ही ले आए फ्रूट्स इतने? रख लीजिए ना। हाँ सौम्या जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है, देर हो रही। रुको, आज से अगले तीन दिन तक रावण की पूजा का संकल्प शुरू। चौथे दिन पूजा संपन्न होने के बाद तेरा संकल्प पूर्ण होगा। बोलो ना क्या है? हे माता रानी, हरमन जी से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्या जवाब दूँ इन्हें? मामा आप इतने बड़े हो गए हो, आपको ये भी नहीं पता ये धागा है? पर ये तुमने पहना क्यों है? मन्नत वाला धागा है जी, इसलिए बस अभी अभी पहना है। यार गुलाबो ये कोई मन्नत वन्नत की जरूरत नहीं है, तो मुझे मिल गई हो ना, मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई। लो इसे शुरू। अरे मामा, मामी आपके लिए तो सब कुछ करती है, उनको भी अपने मन का कुछ करने दिया करो ना यार। अरे हाँ यार छोटे रिचार्ज, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे भी जो भी करते हैं एक दूसरे के लिए ही तो करते हैं। लाबो जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। जा। बेचारा हरमन, इसे कौन समझाएगा, ये मन्नतों का नहीं उस पूजा का धागा है जो ये किन्नर अपनी बर्बादी के लिए कर रही है। सॉरी हरमन जी, मैं आपसे सच छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सच जरूर है कि ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ। तो फिर इतना क्यों सोच रही है पुत्र? आइए नानी। इतना क्यों कोस रही है खुद को? एक बात याद रखना, कोई भी काम अगर अच्छी नीयत से किया जाता है ना तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। देखना सब कुछ बहुत ठीक होगा। अब मुझे चलना पड़ेगा पुत्र, बहुत लेट हो गया, पर अगर तुझे मेरी थोड़ी सी भी जरूरत पड़े ना तो बिना हिचके मैनू फोन कर ले। जी। करीना रवीना दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? मालूम नहीं दीदी, बहुत देर से ये दोनों गायब हैं, और वैसे भी कहाँ किसी को कुछ बताकर जाती हैं। किस हक से बताए? हम दोनों तो बस यहाँ रहते हैं, हमें कोई कुछ थोड़ी मानता है। कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं जी,
आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, मुझे और कुछ और नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मैंने वो पेंटिंग्स वहां क्यों लगाई? ये वो सारी जगह हैं जहां मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, और जहां भी जाऊं वहां की भाषा में आई लव यू बोलना चाहता हूं। पर हरमन जी, एक जन्म में इतना वक्त मिलेगा कि हम सारी दुनिया घूम पाएंगे? मैंने तो वैसे 7 जन्मों का प्लान बना रखा है, पर तुम चाहो तो हम एक जन्म में भी पूरा कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम, मेरी जो बीवी है ना बहुत झगड़ती है, बात बात पे रूठ जाती है, और तैयार होने में तो बहुत टाइम लगाती है। अच्छा जी,